हेलो एवरीवन। तो ट्यूसडे के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए मंडे को वीडियो नहीं बना पाया था। वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं आएगा आपको। तो आज एक अच्छा सेटअप मुझे दिख रहा है, जैसे कि मार्केट अपसाइड के लिए मूव करेगा। तो निफ्टी के लिए अभी जो इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है, दैट इज 17,775, ये वाला याद रखिए। तो ये सपोर्ट के ऊपर अगर मार्केट खुलता है तो मुझे लग रहा है कि मार्केट विल ओपन अराउंड 17,800। ठीक है, तो ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर मार्केट खुलेगा। तो मार्केट के लिए पहला जो हर्डल रहेगा, दैट विल बी 17,816। ठीक है, ये 816 के ऊपर मार्केट जाएगा तो हमें अच्छा खासा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। दो टारगेट के लिए हम जाएंगे आज। तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 17,863, जो कि ये लेवल है। और दूसरा टारगेट अभी हमारे लिए रहेगा 17,900। तो इसका ऊपर और भी टारगेट दिख सकता है, 17,974, जो कि मेरा बहुत एक्सपेक्टेड टारगेट था, लास्ट वीक का नहीं मिला था। तो यहाँ तक हमें मार्केट मूव करते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि आज जैसा कल जो सेटअप बना है, कल मार्केट नीचे नहीं गया, ऊपर का लेवल से एक अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिला। इसके बाद मार्केट थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। तो अगर मार्केट में अपसाइड ब्रेक करने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट नीचे लेवल में कंसोलिडेट किया है। ठीक है, एंड ये जो लेवल है, सपोर्ट लेवल के ऊपर ही ट्रेड किया है। तो इसके हिसाब से मेरा जो टारगेट बन रहा है निफ्टी के लिए, मैक्सिमम टू 17,974। और नीचे का टारगेट अगर देखेंगे तो पहला टारगेट 17,770 का नीचे अगर मार्केट ट्रेड करेगा तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 17,720। इसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है 17,600, कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये दो टारगेट डाउन साइड के लिए आप रख के चलिए। ठीक है, तो मेरा जो प्रेडिक्शन है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट ऑफ साइड जा सकता है, लेकिन आप ऐसे मत सोचिए कि मार्केट अपसाइड जाएगा, क्योंकि मार्केट में अभी जो कंडीशन है, फिलहाल डायरेक्शन पता करना मार्केट में बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आपको लेवल याद रखना है एंड प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड कर लेना है। मैंने दोनों तरफ का ट्रेड एंड लेवल्स बता दिया आपको, इसके हिसाब से एंट्री कर लेना है। तो बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी, जो बैंक निफ्टी जहाँ पे रुका है, ये क्या अच्छा खासा सपोर्ट लेवल पे ही रुका है। ठीक है, 41,220 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। ये जो लेवल है 41,200 का मान के चलिए, तो इसके ऊपर अगर मार्केट आपको दिखेगा, पहला टारगेट हमें मिलने वाला है 41,393, मतलब लगभग 41,400 का टारगेट। इसके बाद हम ट्राई करेंगे ये जो लेवल है, ठीक है, 41,500, क्योंकि बड़ा टारगेट यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है। 500 के बाद 41,648, ठीक है, इसके बाद 42,000 के लिए सोच सकते हैं। तो हमारे लिए कम से कम जो दो टारगेट रहेगा, ये दो, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ दो टारगेट जो रहेगा। तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 41,393 का, दूसरा टारगेट 41,500, देन वी कैन थिंक ऑफ 41,648। ये तीन टारगेट अपसाइड के लिए रखिए। 41,600 के ऊपर हमें बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, अप टू 42,000। ये हो गया डाउन साइड के लिए। मैं आज बैंक निफ्टी में, मुझे नहीं लग रहा है कि डाउन साइड के लिए मार्केट जाएगा, फिर भी इसका लेवल मैं आपको बता देता हूँ। 15 मिनट में देख लेते हैं क्या लेवल्स बन के आ रहा है। ठीक है, 15 मिनट का चार्ट में अगर आप देखेंगे तो डाउन सेल के लिए हमारा जो टारगेट रहेगा यहाँ पे, ये वाला एक अच्छा खासा डाउन मूव दे सकता है, 41,100 का लेवल, 100 पॉइंट्स का मूव आपको देखने को मिलेगा। इसका नीचे हमें जो देखने को मिलेगा डाउन सेल का टारगेट, ये वाला, ठीक है, 40,784, मतलब 40,800। तो ये 41,100 का नीचे हमें 200-250 पॉइंट का फास्ट डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट में ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट अपसाइड के लिए जाएगा, फिर भी आपको माइंड में ये नहीं लेना कि मार्केट में अपसाइड मूव ही होगा। तो
आपको प्राइस सेक्शन के हिसाब से एंड सपोर्ट लेवल के हिसाब से, सपोर्टेशन के लेवल के हिसाब से ही काम करना है। तो मार्केट में बायस होकर काम नहीं करना है, क्योंकि अभी जो मार्केट का डायरेक्शन है मतलब ऑन डायरेक्शनल मूव मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे पिछले 7-8 दिनों से मार्केट में कुछ भी डायरेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग योर वीडियो।